नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सीटेट 2021 दिसंबर और 2022 जनवरी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर और अपना रिस्पांस कैसे चेक करें। दोस्तों, मैं आपको लाइव जो है चेक करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको लिंक दिखा दूँ, ये देख सकते हैं, कैंडिडेट का क्वेश्चन पेपर और रिस्पॉन्स जो है जारी कर दिया गया है। अभी उत्तर कुंजी नहीं जारी की गई है, यानी कि कौन सा क्वेश्चन सही है ये नहीं जारी हुआ है, लेकिन अभी रिस्पॉन्स जारी हुआ है। लेकिन आपको रिस्पॉन्स चेक करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आपको कहां पर मिलेगा। तो दोस्तों, ये लिंक आपको मिलेगा, इसको चेक करने का rozgarresult.com पे ट्रस्टेबल एक पुरानी वेबसाइट rozgarresult.com आपको आना है। सीधा आंसर की चेक सेक्शन में यहां पे आंसर की के नाम से ही दिया हुआ है, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक वेबसाइट और बता देता हूं जिसका नाम है sarkarirezult.com। गूगल पे जब भी आप सरकारी रिजल्ट लिखिए लास्ट में .com जरूर लगाइए। नीचे आते हैं, सीधा जो है सीटेट आंसर की 2022 पे क्लिक कर देना है। आपको बता दें सीधा नीचे आना है। जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड क्वेश्चन पेपर विद कैंडिडेट रिस्पॉन्सेज, आपको उस पर क्लिक यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, दूसरा ऑप्शन है थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। तो सबसे आसान ऑप्शन है थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, तो हम थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ वाले पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ देख सकते हैं सीटेट दिसंबर आ रहा है, जिनका पेपर जनवरी में भी हुआ है उनको भी इसी पे सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है उस कैप्चा को डाल देते हैं। ये देख सकते हैं कैप्चा हमने डाल दिया, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल के आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दोनों ही चीज़ें डाल दी है। यहाँ पे आपको छोटा सा साइन इन का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कंफर्मेशन पेज दे रहा है, लेकिन इसको आपको टच नहीं करना है। यहाँ पे देखिए नीचे देखेंगे बिल्कुल लास्ट में पेज के जो डैशबोर्ड है उसके लास्ट में देखेंगे यहाँ पे लिखा है व्यू क्वेश्चन पेपर, और यहाँ पे एक ब्लू कलर का लिंक है जिसपे लिखा है व्यू क्वेश्चन पेपर विथ रिस्पॉन्सेज, और आपके एग्जाम की डेट और एग्जाम की शिफ्ट भी आ रही है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा डिटेल्स है वो खुल जाएगा, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स शो करेगी, जैसे कि एप्लीकेशन नंबर, नाम, रोल नंबर, टेस्ट डेट, टेस्ट टाइम और जो है आपका जो सब्जेक्ट होगा। अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे देखेंगे हर क्वेश्चन के आगे, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 पे ही ले लीजिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आपने कौन सा क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे दिया हुआ 3 नंबर, यानी जो पहला क्वेश्चन है उसमें 3 नंबर हमने सिलेक्ट कर रखा है। इसी तरह दोस्तों आगे के क्वेश्चन पे हम चलते हैं तो सारे क्वेश्चन पे जो जो आपने अटेम्प्ट किए हैं वो सारे क्वेश्चन दे रहा है। जैसे अब यहाँ क्वेश्चन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसमें जो क्वेश्चन है वो है आकलन का उद्देश्य क्या है, हमने जो सिलेक्ट कर रखा है वो 4 नंबर सिलेक्ट कर रखा है। अब लेकिन सीटेट के हिसाब से कौन सा सही है ये चीज़ जब आंसर की आएगी तब आपको पता चलेगा। तब तक के लिए दोस्तों आपको एक काम जरूर करना है, आपको इस पेज की पीडीएफ बना के जरूर सेव कर लेनी है, क्योंकि हो सकता हो बाद में ये जो ऑप्शन है ये हट जाए। तो ये पूरा पेज है आप देख सकते हैं, हालांकि अगर आप इसका प्रिंट आउट लेंगे तो बहुत ज़्यादा पेज हो जाएगा। तो मेरी अगर आपको सजेशन यही है कि आप जो है इसका एक पीडीएफ बना लीजिए या तो इसको सेव कर लीजिए। अगर आपका लैपटॉप हो तो लैपटॉप पर जाकर इसको सेव कर सकते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक किए रहेंगे और सेव पेज ऐसा करके इसको सेव कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको प्रिंट में पीडीएफ में चेंज करा सकते हैं।